उनके ऊपर बहुत ज्यादा हावी होते हुए नजर आ रहे हैं, उसके चलते वहां पे फिनिश व्यक्ति को देखने को मिल गया। टॉप थ्री टीम जरूर है बट एक प्लेयर अकेला बचा हुआ है, एगी अपनी टीम से। क्या वो वहां से अपनी फाइट निकाल पाएगा? उनको बस होल्ड करना है, कुछ फाइट नहीं लेनी है उनको। Skylines के प्लेयर्स इस समय ऐसा लगता है धीरे धीरे आगे की तरफ को बढ़ रहे हैं, करके प्लेयर्स को डाउन कर रहे हैं उनके पास एलिमिनेशन नंबर से। बट अगेन पैराडॉक्स, शायद अगले शिकार हो सकते हैं, अगर वो शिकार हुए तो वो सीधा बाहर ही जाएंगे। एक अच्छा ग्रेनेड जाता हुआ, दिस गेम माइट जस्ट बी डन फॉर, रेवेनर इज डन फॉर। स्काईलाइट्स, दे आर स्टिल देयर, दे आर स्टिल रोरिंग अबव एवरीवन, और ये बन चुका है 1v4 का सिचुएशन। एगी अकेला बचा हुआ प्लेयर, थोड़ा पीक कर रहा है बट इसी पीक में दिक्कत है, उनकी लोकेशंस पता है एनिग्मा हालांकि अपने आप को लेकर के आ जरूर चुकी है, बट देन अगेन बात इसी चीज की है कि स्काईलाइट्स के प्लेयर्स किस तरीके से इस विन को अपने हिस्से में लेकर के जाएंगे। 10 फिनिशेस, 11वां बिल्कुल सामने, एक एक करके प्लेयर्स आगे जाते हैं, एक गलत पीक एंड देयर इट इज, स्काईलाइट्स स्टिल रेनिंग सुप्रीम, स्टिल गेटिंग दैट दोस विंस, गेटिंग द फर्स्ट विनर इन अ चिकन डिनर। फोर्थ निकाल पाएंगे, प्लेसमेंट्स के लिए एक सवाल बन जाता है क्योंकि तीसरे पायदान तक तो वो आ ही चुके हैं, उससे आगे क्या? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल, वहीं पर एक्सो के प्लेयर्स की दिक्कतें हो रही थी लेकिन फियर्स एक प्लेयर को नॉक करते नजर आएंगे। काफी बेहतरीन शुरुआत यहां पर एक्सो कर सकती है अपने लिए, पहला गेम उतना अच्छा नहीं था बट उसको भुला करके दूसरा गेम निकाल रहे। आतंकी नीड्स टू वॉच आउट, एक प्लेयर को कह रहे हैं डाउन की जगह ग्रोथ साथ, द अनटेम्ड बीस्ट जस्ट गोइंग बॉन्कर्स। बंक दूसरी तरफ से यहां पर शॉट्स देते नजर जरूर आ रहे हैं एंड आतंकी को भी बाहर का रास्ता दिखाया जाएगा। 4v4 है, हालांकि आतंकी अपना काम कर चुके हैं, एक प्लेयर डाउन है, अगला भी डाउन होगा एक्सो को लेकर के आ सके। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल यहां पर इनके लिए बन जाता है कि क्या ये वो खुद को सेकंड पोजीशन तक ला सकते हैं। 8-bit दे नो स्काईलाइट्स का लोकेशन, स्काईलाइट्स दे नो 8-bit का लोकेशन, बट क्या कोई आउट ऑफ द बाउंड्स कुछ खेल सकता है? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल। एंड आई थिंक ये एक परफेक्ट फिनिश होने वाला है इस मैचअप का, क्योंकि 8-bit और SG की जैसा हम बात कर रहे हैं दोनों टीम्स के साथ साथ फिनिशेस है, दोनों टीम्स के तीन तीन प्लेयर्स बचे हैं। इट्स गोइंग टू बी अ परफेक्ट अपॉर्चुनिटी टू सी, आई मीन जो जीता वो सिकंदर बेसिकली। एंड आरू को देखे, पूरी की पूरी यूटिलिटी टॉस कर दी उसे, एंट्री को ब्लॉक करने के लिए कोई नहीं आएगा। और स्काईलाइट्स के प्लेयर्स के बिल्कुल सामने 8-bit के प्लेयर्स आ चुके हैं, फाइनल फाइट में ड्रॉप शॉट लेकर के फाइट लेने की कोशिश, लेकिन स्काईलाइट्स के प्लेयर्स एक एक करके डाउन होंगे। 8-bit, वेल दे आर इन इट टू विन इट, और वो प्लेयर्स को टेक डाउन करेंगे 8-bit लेकर के जाते हुए एक बेहतरीन विनर विनर चिकन के अंदर बनाए रखने की। बट ये फिनिश पॉइंट्स किसके हाथ में लगेंगे? एंड वेल दोनों की दोनों टीमें एक एक पॉइंट अपने ले जाते हुए यहां पे नजर आएंगी। बट चलिए टॉप 3 तक हम आ चुके हैं, TSM के Aquanox हील बैटल करने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये पूरी लड़ाई जो विनर डिसाइड करने की है वो इन दोनों टीम के बीच में होने वाली है। Revenant Esports वर्सेस 7Seas, और Nox यहां पे ट्रेड किए जा रहे हैं, इवन दो Revenant के पास डिसएडवांटेज है वो किसी भी हालत में पीछे नहीं छूटना चाहते। स्प्रे गॉड को देखिए, स्पॉट आउट कर लिया गया, और टॉप डॉग आगे पुश करने की कोशिश करते हैं, उनको पता है ऑपोजिशन पेड़ के पीछे ओपन में स्टेप आउट करेंगे एंड वेल देयर इज द टेक डाउन। अलादीन अभी भी सर्वाइव करते हुए नजर आ रहे हैं और प्रिंस भी उनके साथ मौजूद है। फाइट अब बन चुकी है 2v2 की कंप्लीटली इवन दोनों टीम्स के बीच में। Revenant ने जो जगह बनाई है फाइनल सर्कल में अपने लिए, बहुत ही ज्यादा काबिले तारीफ, बिकॉज आपके ऊपर जोन नहीं है। 7Seas के पास पूरा कंट्रोल था फ्रॉम द जोन नंबर 4 और 5, if I'm not wrong, क्योंकि इतना बड़ा पीरियड आप एक कंपाउंड में बैठे थे एंड उसी के चलते यहाँ पे Revenant ने बोला कि हम लोग घुसेंगे भी और मारेंगे भी। बट TSM Aquanox का एक डिफरेंट ही प्लान है, बट वहां पे टॉप डॉग एक और प्लेयर निकालेंगे, Aladdin विल गेट नॉक डाउन एंड Aladdin को पूरा फिनिश भी करा जाए। सो देयर इज वन लास्ट प्लेयर स्टैंडिंग जो कि लेफ्ट साइड में, क्या प्रिंस को यहाँ पे स्पॉट करा है इनकोर ने, ही डोंट हैव अ हेलमेट, सो दिक्कतें यहाँ पे हो सकती है अभी। क्या डैमेज? ओके, ही हैव अ लेवल 2 हेलमेट, बट प्रिंस देखते हैं वहाँ पे क्या सिचुएशन में, क्या उनके पास आर्मर रहे नहीं है। बट यहाँ पे बिल्कुल मुंह पे मोलोटोव भी वहां पे उनके हाथ से हटा नहीं है, बट यहाँ पे स्पॉट जरूर कर लिया। प्रिंस इज 1 HP, ही विल गेट फिनिश्ड बाय टॉप डॉग एंड दैट मैच हैज बीन वन बाय Revenant Esports। और करते हैं उस गाड़ी पे बैठते हैं जो बगी रहते हैं, शायद ऐसा कुछ है कि टीपीपी एंगल्स लेते हुए प्रॉब्लली नजर आ रहा है, लेकिन उसी के बीच में वो स्पॉट भी हो सकते हैं, शायद हो चुके हैं, थोड़ी बहुत दिक्कतें आई जरूर है। निंजा, यस एक्जैक्टली, बगी थी उनके पास, लेकिन यहीं पर अगर हम लोग बात करें, आप देखिए अभी उनको स्पॉट कर चुके हैं, एक आधा पिक्सल दिखा जरूर उन्होंने शॉट्स मारे एंड निंजा के बारे में प्रॉपरली पता चल चुका है, वापस से बगी पे बैठ चुके हैं पीछे, वो टीपीपी एंगल ले रहे हैं, वहीं से एक पिक डाउन करेंगे। काफी अच्छा पिक आता निंजा, ब्रिलियंट आईक्यू प्लेड, और अब अपने वेपन को रीलोड करेंगे। जो फाइट 2v4 थी उसको 2v3 लेकर के आ चुके हैं, एक प्लेयर तो डाउन है, उसको रिवाइव
करने अभी कोई नहीं जाएगा, हालांकि अभी खुद आगे जा सकते हैं, एनिमीज हेड कर सकते हैं, काफी एक अच्छा यहाँ पर कंपोजर बनाया जा सकता है, वीरू उस पर खेल सकते हैं। निंजा फिर से बैठ चुके हैं, एक और प्लेयर को प्रॉब्लम शायद स्पॉट किया या फिर अपना जो कंफर्मेशन है वो लेना यहाँ पर जरूर चाहेंगे। वो कंफर्मेशन आता हुआ, नंबर्स हैव बीन रिड्यूस्ड टू अ 2-3 बट इट्स स्टिल देयर। एक यूएमपी, एक एम4, काफी सही रिगेंड, एक और प्लेयर को डाउन किया जा चुका है। टीएसएम इज जस्ट ऑन अ रोल। निंजा, ये टीपीपी एंगल जो लिया जा रहा है इस बगी के सहारे, बगी एमवीपी बन जाएगी अगर यहाँ पर ये जीते हैं। एक और प्लेयर को डेफिनेटली डाउन कर सकते हैं। जो फाइट 2-4 से स्टार्ट हुई थी, इट्स डाउन टू अ 2-1। TSM, they are still surviving, and अब Enigma का एक लौता प्लेयर बचता है। थोड़े बहुत ग्रेनेड्स आगे किए जा रहे थे, ग्रेनेड वाज गुड, इट डिड इट, बट एक और बार डेफिनेटली उसी डायरेक्शन में किया जाएगा। विल दे एंड इट विद अ बैंग? ओह माय गॉड, ही वाज सर्वाइविंग ऑन वन स्लाइट एचपी। टीम सोलो मेड जस्ट गेट्स अ ब्रिलियंट विनर, विनर चिकन डिनर, ऑल थैंक्स टू दैट।